नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट पेश किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इस रिपोर्ट को रखा। रिपोर्ट में नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खुल गई है। कैग की रिपोर्ट में राजकोषीय स्थिति की वास्तविक स्थिति को बताया गया है। कैग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए का खर्च का हिसाब सरकार नहीं दे रही है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2011 से 2020 के बीच की है। ये राशि साल दर साल बढ़ती जा रही है, यानी सरकार इतनी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जमा नहीं की है। इसके अलावा कैग ने 2019-20 की रिपोर्ट में डिफॉल्ट करने वाली सरकारी कंपनियों को 18,872 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने की भी बात कही गई है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि सरकार कैग की रिपोर्ट सही नहीं मान रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान रही है। सीए जी का रिपोर्ट मानना चाहिए, कोर्ट के बात मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बात मानना चाहिए। ये सरकार नहीं मान रही है, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। सीए जी का रिपोर्ट सही है, बाकी सरकार की रिपोर्ट गलत है, तो सरकार मानने के लिए सीए जी का रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के दौरान बिहार को 2008-2009 के बाद 1784 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ है। बिहार ने इस दौरान 14,724 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 917 करोड़ यानी 6.64% बढ़ गया। कैग रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर भी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। अब इन सवालों का जवाब नीतीश सरकार से क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।